hello students i am dinesh panchal i welcome every one of you on my youtube channel today in this module what we are going to cover is a poem of class 12 cbse that is an elementary school classroom in a slum which is composed by sir stephen harold spender now firstly let us look about the poet that who is the poet of the poem and how his life has been because it it is really important for us to know about the poet before reading the poem. so now let's get started. sir stephen harold spencer was born in 28th february 1909 and his lifespan is from 28 february 1909 to 16 july 1995. He was an english poet, novelist and essayist. so there are three qualities what we are observing in stephen spender. first thing that he was a poet.

हुज वर्क कंसनट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड द क्लास स्ट्रगल ये बहुत बड़ी बात है ये क्लास स्ट्रगल का पूरा थ्योरी है इसको हम जैसे ही हम आगे बोम के अंदर बढ़ते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे ये क्लास स्ट्रगल आखिर होता क्या है ही वॉज अपॉइंटेड पोए रेट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू दूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन सिक्सटी फाइव सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीफन स्पैंडर एंड प्रोबेबली इफ यूड नो अबाउट दिस थिंग दैट ट को हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस करा था पोएट लोरेट जो है वो क्या होता है यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं पोएट लोरेट के बारे में द पोएट लोरिट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉमनली रेफर्ड टू एज द यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स लॉरेट है ना ये आपको के अंदर भी नजर आते हैं और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी अपन को नजर आते हैं ठीक है पोएट लॉरेट का अगर सिंपल सा मीनिंग अगर आप देखें तो एक तरीके का ये गवर्नमेंट पोस्ट होती है ठीक है गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर क्या होता है आप एक पोएट होते हो जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और पूरी कंट्री का जो भी आपके नेशनल इश्यूज हैं उनको आप रेस करते हो अपनी पोम के थ्रू अपनी राइटिंग के थ्रू और साथ ही में जो आपके वहाँ पे जितने भी सारे सिटीजन्स हैं और जो भी आपके देश के अंदर रहते हैं उन सभी लोगों को आप अवेयर करो आप कंसियस करो जो भी प्रेजेंट करंट इश्यूज जो भी चलते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप उनको बताओ तो ऐसी कई सारी चीज़ें रहती हैं जब हम बात करते हैं पोएट लोरेट के बारे में सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बीन प्लेड हेयर बाय द स्टीफन स्पैंडर ईयर इज इट ओके नाउ लेट मी Come here on introduction to the lesson. Here, the poem written by Stephen Spander describes the social inequalities which are prevailing in the society. In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. The poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. Now, let me explain this. What is this actually? होता क्या है यहां अगर अपन बात करें तो सबसे पहला इश्यू जो हमारे सामने आया है पहला है सोशल इन इक्वेलिटीज सोशल इन इक्वेलिटीज ये क्या होता है देखो सोसाइटी के अंदर हम जब भी रहते हैं क्या तो वहां पर आप देखोगे सबसे बड़ी चीज जो पाई जाती है एक तरफ तो अपन को नजर आते हैं पुअर्स और एक तरफ नजर आते हैं रिच ये दो तरीके की सोसाइटी होती है और पुअर्स के सामने स्पेशली बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं उनकी डे टू डे लाइफ के अंदर प्राइमरीली अगर हम बात करें किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किसी फैमिली का डेवलपमेंट किसी सोसाइटी का डेवलपमेंट वो तीन चीज़ों के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है उसके अंदर पहला रहता है एजुकेशन ठीक है दूसरा अगर हमारे पास है तो फिर वो रहता है हेल्थ और एट लास्ट अपन देखते हैं तो वो हमारे सामने आता है इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये तीन चीज़ें रहती हैं और आप अगर देखोगे पुअर्स के साथ इन तीनों चीज़ों के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो लोग जो है वो सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर वो एजुकेशन के अंदर भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए रहते हैं हेल्थ भी उनका सही नहीं रहता और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का उनके पास एक तरीके की रीच होती है सो देर आर मल्टीपल चैलेंजेस विच वर गोइंग टू फेस ये तो बात होगी सोशल इनिक्वालिटीज के अंदर जहां पे श... जो सो, सोसाइटी है अपना वो दो तरीके से बटा हुआ था एक तो था पुअर और दूसरा था रिच अच्छा दूसरी बात मैं आपको और बता दू। स्पेंडर को जो इस पोम के अंदर इन्होंने लिखा है जितना कुछ मैं समझ पा रहा हूं सबसे बड़ी बात हमारे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अगर अपन देखें तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रखा है जिसको अपन कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्या है उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दू आपने कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा कार्ल मार्क्स ने अपना एक पॉपुलर स्लोगन दिया था क्या कि दुनिया के मजदूरों के समय सबसे ज्यादा ये अपन को नजर आई थी उस टाइम ये हुआ था एक तरफ तो हमारे पास क्लास हो गया था लेबर और एक क्लास हमारे पास जो हो गया था वो हमारे पास थे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आप इसको इनको कह सकते हो ठीक है अब इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी यहाँ पे एलिट लोग जो हैं वो सारे आ गए थे और एक तरफ हमारे पास थे लेबर्स अब क्या था जो भी इनकम जो हो रहा था इनका इनकम हमेशा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था बहुत ज़्यादा इनकम इनका जनरेट हो रहा था बहुत ज्यादा ये रीच पे रीच हुए जा रहे थे और यहाँ जो पुअर है इट वॉज बिकमिंग पुअर है ना इनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी तो सोशल इनक्वालिटीज़ बहुत बड़ा इशू रहा है और इसी को लेकर स्टीफन स्पेंडर ये जो आपकी सोशलिज्म की थ्योरी कम्युनिज्म की थ्योरी जो है वो निकली यहाँ से क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर रीच अगर और ज्यादा रीच होते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत ज्यादा अंडर नरिश्ड रह जाएंगे हमारी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी इन सारी बातों के ऊपर बात करते हैं मार्क्स और इन्हीं ने सबसे पहली बार ये बोला था कि इट्स टाइम टू गेट यूनाइटेड फॉर द सारे लेबर्स को यहाँ पे यूनाइटेड होने की जरूरत है जिसकी वजह से वो क्या कर सके अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सके अच्छा एक और बात यहां पे रही बात इस पोम के अंदर सर क्या चीज डिस्कस करेगी ये तो बताते हैं आपको पोम के अंदर क्या बात डिस्कस करेगी पहली बात तो ये इस के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल जहां पर आप आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लेते हैं ठीक है एलिमेंट्री स्कूल है और वो भी कहां पर ये एक स्लम के अंदर लोकेटेड है स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियां जो होती है आपकी जहां पर कई सारी चीजों को आ, की कमी होती है ना वहां पर आपको एक अच्छा वाटर मिल पाता है ड्रिंकिंग वाटर का आपके पास फैसिलिटी नहीं होता आपका हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो भी काफी ज्यादा रहते हैं पोल्यूशन भी रहता है उन जगहों पर बहुत छोटे छोटे घर के अंदर आपको रहना पड़ता है और वो भी तब जब वहां पर आपके साथ फैमिली के अंदर पाँच छः सात आठ लोग पता नहीं कितने होते हैं ना उन सभी लोगों को उस फैमिली के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर रहना पड़ता है ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं इन चैलेंजेस से निपटना एक स्लम के अंदर रहा हुआ इंसान है वही समझ सकता है कि, कि किस तरीके की चीजों को ये लोग फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर और ये इतने ज्यादा अंडर नरिस्ट हो जाते हैं इनका ब्रेन फंक्शनिंग काफी ज्यादा कम हो जाता है और इनका जो ड्रीम पावर होता है लाइक आज हम हमारे यहाँ पे एक अच्छी फैमिली के अंदर लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास है हम लोग देख सकते हैं हमारे पास पावर है हमारे पास ये ड्रीमिंग पावर तो एटलीस्ट है भले हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो बट हमारा एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है इस वजह से हम सोच सकते हैं कि यहाँ से हम थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करें बट इन लोगों के लिए जहाँ पर इनकी फैमिली क्या इन्विरोमेंट ही उनको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है ये लोग कुछ नया सोचे कुछ बड़ा करें तो वहां इनके सामने चैलेंजेस जो है वो काफी ज्यादा उभर के आ जाते हैं तो किस तरीके के से यहाँ पर स्टीफन स्पैंडर जो है इनका जो एक तरीके का ये पैथेटिक सिचुएशन है उसको किस तरीके से ये रीडर्स के सामने लाते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस पोम को लिखा है एंड रियली अगर आप लिटरेचर के अंदर इंटरेस्टेड हैं और एक थ्योरी को समझना चाहते हैं और किस तरीके से क्लास स्ट्रगल होता है सो तो ये वीडियो और ये पोम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर जहां पर हम बात करेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की जो इस पोम के अंदर यूज़ हो रखे हैं सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है गस्टी गस्टी वेव्स वेव्स का मीन्स क्या होता है ब्रीज जो जो तेज गति से हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते है? कहते हैं हैं गस्टी वेव्स ठीक है थीके? अच्छा यहाँ आप एक चीज देखोगे गस्टी वेव्स जो है वो एक तरीके से तौर यूज हुआ है और यहाँ पर अगर आप एनर्जी कहो तो इसको ज्यादा बेहतर है ठीक है वो अपन आगे पोम में बात करेंगे सेकेंड वर्ड है हमारे पास पेलोर पेलोर का मीन्स होता है पेल डल फेस जब आपका चेहरा जो है अंडर नरिशमेंट की वजह से काफी ज्यादा पेल हो जाता है डल हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं पेलर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है स्टंटेड स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की वजह से जब हमारा बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो उसके अटमोस्ट तक नहीं आ पाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं स्टंटेड कहते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है नाल्ड यहाँ जी साइलेंट है इसका मीनिंग होता है नोटेड और रफ इसको भी अपन आप आगे पोम के अंदर डिस्कस करेंगे क्या चीज है ये इसके बाद हम बात करते हैं वीड्स की वीड्स की क्या जानते हो बहुत अच्छे तरीके से आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ में ग्रो अप कर जाते हैं नेक्स्ट पेपर सिम्मिंग बॉय एक ऐसा लड़का जो काफी ज्यादा पतला है बिल्कुल पेपर की तरह अपन को नजर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं पेपर सिम्मिंग बॉय नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इसका मीन होता है सक्सेसर उत्तराधिकारी जो होता है नेक्स्ट वर्ड इज सॉर का मीन होता है अनप्लीजेंट वो चीजें जो हमको अच्छी नहीं लगती ठीक है वैसे सौर का मीन्स कड़वा होता है क्या आ, एक तरीके से खट्टा भी आप इसको कह सकते हो जो चीजें अपन को पसंद नहीं आती है ठीक है अनप्लीजेंट है कलर ऑफ सोर क्रीम्स ऑफ वाइट और क्रीमिश डोनेशन क्या है थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी चैरिटी के अंदर जब आपको चीजें मिलती है तो उनको अपन कहते हैं डोनेशन इसके बाद डॉन डॉन का मीन्स अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जो सनराइज का टाइम होता है उसको अपन कहते हैं डॉन इसको अपन अपन आगे डिस्कस करेंगे जब पोम को समझेंगे उस समय ये समझना है आपको a beautiful, ice -free valley. एक लोकेशन का नाम है जो ऑस्ट्रिया के अंदर लोकेटेड है नेक्स्ट वर्ड है सील्ड शट और लॉक्ड अच्छे से जानते हैं आप इसको नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेड लेड का मीन्स क्या होता है डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स वैसे लेड एक कलर है जो सलेटी कलर होता है उसको अपन बोलते हैं लेड लेकिन यहाँ जो है वो किसी और सिंबल के तौर पे यूज हुआ है नेक्स्ट uh, वर्ड आता है हमारे पास कैप्स अ लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इन द सी फ्रॉम द कोस्ट यहाँ पे आप देखना जैसे कि ये जो सी वाला एरिया है ठीक है ये कोस्ट है तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ये कैप की तरह निकला हुआ होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं कैप्स कहते हैं ठीक है और जो कभी कभार ऐसा भी होता है ओशियन वो, है सी है उनके बीच में भी अगर थोड़ी सी अगर इस तरीके से जगह हो जो बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास न हो तो उसको अपन क्या कहते हैं कैप्स कहते हैं

वेलकम हेयर ऑन द पोम अगेन स्टार्ट करते हैं हम इसको पोम को जो स्टीफन स्पैंडर की लिखी हुई है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दी चिल्ड्राइक रूटलेस स्वीट राउंड अब देखो क्या है यहां पर स्टार्टिंग के अंदर दो लाइन को अपन डिस्कस करते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव गेव का मीन्स क्या है जो डेवलपमेंट की अपनी मेन स्ट्रीम है जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है उस स्ट्रीम से दूर आप ये कह सकते हो या फिर वो एनर्जी जिस एनर्जी में जो एक पॉजिटिव वर्ल्ड है जहां पर लोग रह रहे हैं उस वर्ल्ड से बहुत दूर फार फार दो बार रिपीटेशन इस बात पर इंफेसिस करा गया है कि उस वेव से उस डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से बहुत दूर दीज चिल्ड्रंस फेसिस वो जो बच्चे हैं यहां पर आपको एक इमेजिनेशन करना है एक क्लासरूम है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए और ये एक एलिमेंट्री क्लासरूम है जहां पर कुछ बेंचेस लगी हुई है और साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ठीक है अब ये जो बच्चे हैं ना ये जिनके फेसेस हैं वो उससे बहुत दूर है गश्ती वेव्स जो है अपनी उससे बहुत दूर है लाइक रूटलेस रूटलेस वीड्स वीड्स द हेयर टोन देयर पेलर अब देखो rootless weeds का means क्या होता है पहले बता चुका हूं मैं आपको वीड्स का मीन्स क्या होता है अनवॉन्टेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो अप कर जाते हैं ठीक है थीके? अब रूटलेस वीड जब उन वीड्स को आप उखाड़ देते हो जड़ से इनको अलग करने के बाद वो बिल्कुल इस तरीके से पड़े हुए रहते हैं उन वीड्स की तरह इनके जो हेयर्स हैं वो उनके पेलर पे आ रहे हैं जो उनके पीले पीले चेहरे हो रखे हैं एक तरीके से उनको देख के ही नजर आता है कि वो अंडर अंडरनरिश्ड हैं माल uh, न्यूट्रिशन का शिकार है वो कहीं कही ना कहीं पर तो उनके बाल जो है वो अपन को उस तरीके से नजर आ रहे हैं उनके चेहरों के ऊपर बिल्कुल आ जाते हैं लाइक ये चेहरा हो गया और यहाँ इस तरीके से ये बाल जो है मतलब सही तरीके से उनको कॉम नहीं करा गया आप ये बात भी कह सकते हो ठीक है तो ये जो रूटलेस वीड्स uh, जो है ये कंपेरिजन करा गया हेयर्स का इन रूटलेस वीड्स से तो यहां पर आपका सिमिली जो है वो अप्लाइड हो जाएगा अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की जहां पर दो चीजों के बीच में कंपेरिजन करा जाए लाइक like और एस का यूज करते हुए ठीक है हेयर टोन राउंड देयर पेलर द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड अब यहाँ पे क्या एक एक बच्चे के बारे में बात बता रखी तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपन को नजर आता है एक तो क्या है एक टॉल गर्ल बैठी हुई है उस रूम के अंदर ठीक है और ये टॉल गर्ल जो है वो यहाँ पे इस डेस्क के ऊपर बैठी है तो उसका सिर जो है वो बिल्कुल झुका हुआ है नीचे की तरफ ठीक है टॉल गर्ल है लंबी लड़की और साथ ही में वो थीम भी है पतली भी है और सीधी सी बात है यहाँ पर जो ऑथर हमको बताना चाह रहे हैं जो पोएट हमको बताना चाह रहे है वो ये बताना चाह रहे हैं डेट शी इज अ विक्टिम ऑफ मैल न्यूट्रिशन ठीक है वो कहीं ना कहीं पर कुपोषण का शिकार है वो खुद भी अंडर नरिश्ड है ये बात हमको यहाँ पर पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं सेकेंड अगर बात की जाए तो फिर वो है पेपर स्विमिंग बॉय एक दूसरा लड़का है जो बिल्कुल पेपर की तरह नजर आता है पेपर स्विमिंग बॉय मेटाफोर यूज हुआ है एक बच्चे को पेपर से करा गया है विदाउट यूजिंग लाइक एन एस ठीक है आगे बात करेंगे अब इसकी और भी द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड अब ये जो लड़का है ना सेकेंड वाला इसके बारे में क्या बात बता रखिए इसकी आंखें जो है वो किसकी तरह लग रही है रेट साइज है ना यहाँ पर भी मेटाफोर रेट साइज देखो रेट जो है वो हमेशा क्या करता रहता है एक बात तो ये कि ये हमेशा फूड की तलाश में रहता है ठीक है कुछ खाना मिल जाए तो बेहतर है और दूसरा ये हमेशा इधर उधर देखता रहता है और अपने आप में काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है है ना ये अपनी इनसिक्योरिटी में हमेशा रहता है ठीक है कहीं से कोई बिल्ली आ जाए या फिर उसको अपनी जान की भी हमेशा टेंशन रहती है कि कभी भी उसका आ, उसको खाया जा सकता है उसका एक तरीके से उसकी हत्या की जा सकती है इनसिक्योर है वो अपनी लाइफ के अंदर ठीक है थर्ड हम बात करें the stunted unlucky hair of twisted bones एक तीसरा है हमारे पास लड़का है है ना ट्विस्टेड बोन्स का मींस क्या होता है अब देखो पूरी इस लाइन को अपन देख लेते हैं द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क देखो वैसे तो क्लासरूम के अंदर क्या होता है लेसन को रिसाइट किया जाता है बट यहाँ सिचुएशन बहुत अलग है कंट्ररी है एक लड़का है जो अपने डेस्क के ऊपर बैठा है और ये क्या कर रहा है इसकी बोन्स जो है वो कैसी है ट्विस्टेड है और ये ट्विस्टेड बोन्स किसकी वजह से है क्योंकि इसके फादर को एक डिसीज है जिसको अपन बोलते हैं नाल डिसीज अब ये नाल डिसीज के अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है लाइक ये लड़का है एक कोई ठीक है अब इसके पेड़ जो है वो कई यूं हो गए ठीक है मतलब ट्विस्टेड बोन्स है इसकी बोन्स मुड़ी हुई होगी और साथ ही में इन बोन्स के अंदर किसी तरीके का स्ट्रेंथ नहीं रहता वो सबका सब यहाँ पर एक तरीके से ये सिम्बोलाइज करते हैं कि माल न्यूट्रिशन का वो विक्टिम है सारे बच्चे और अंडर को ना सुना के वो बच्चा क्या कर रहा है? अपने फादर की जो नाल डिसीज है उसको बता रहा है मतलब उसको देखते ही आपको यही लगेगा कि ये बच्चा जो है इसको प्रेजेंटली हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इन कंपेयर टू द एजुकेशन पहले इसका फिजिकली ये बच्चा अगर बेहतर होगा तभी ये मेंटली कुछ कर पाएगा तभी इसका ब्रेन वेल फंक्शन करेगा तो यहां इनको एजुकेशन से पहले हेल्थ दिया जाना चाहिए ये बात जो है वो यहाँ पर पोएट करना चाह रहे हैं इसके बाद एट बेक ऑफ द डीम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग इसके बाद क्या होता है एक लड़का है लास्ट में जो अनोटेड अनोटेड मीन जहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता है अब ये बच्चा क्या है बहुत छोटा है स्वीट है, यंग है। है यंग जो होती है अपनी है ना उसके कोई गेम के बारे में सोच रहा है ये बच्चा अलग ही है वो उस पूरे क्लासरूम से ये अलग ही सोच रहा है वो कभी इधर विंडो के बाहर देखता है उसको स्क्वेरल का गेम जो है वो याद आता है ट्री रूम का मीन्स स्क्रल जो है वो ट्री पे रहती है तो वहां पे एक तरीके का रूम बना लेती है और उसके आसपास ही पास जो है वो घूमती है खेलती है ये सारी चीजें तो ये क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है ये जो बच्चा है छोटा सा वो सोचता है कि यार वो स्क्वेरल जो है उसकी लाइफ इंडिपेंडेंट है उसकी फ्री है सो वाई शूडेंट आई बी अलाउड क्यों मुझे क्यों आखिरकार ऐसा मौका नहीं मिल रहा है मैं भी बाहर जाके खेलूँ मीन्स एक तरीके का वो डे ड्रीमिंग के अंदर है अदर देन दिस On Sir Cream Walls, donations, इसके बाद क्या वो जो क्रीम कलर की है, उसके ऊपर क्या है कुछ डोनेशन में आ रखे हैं ठीक है ठीके? और डोनेशन के अंदर क्या है? क्या चीजें आ रखी है वो देखना यहाँ कुछ पिक्चर है पहले पिक्चर के अंदर अपन देखते हैं शेक्सपियर का पिक्चर है किसका पिक्चर है इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पिक्चर है क्लाउडलेस एट डॉन ये मैं आपको बता चुका हूं क्लाउडलेस एट डॉन का मीन सुबह का टाइम जो होता है जब सनराइज़ होता है उसी समय क्या है यहाँ पर किसी तरीके के क्लाउड्स वगैरह नहीं है ये डॉन का समय होता है ठीक है जिसको अपन बोर का समय कहते हैं हिंदी में तो ये आप देखना यहाँ पर ये जो डॉन का टाइम है उस टाइम अपन देखते हैं क्लाउडलेस है डॉन ये इसका भी एक पिक्चर लग रखा है तो

जहाँ पर वो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और आ, कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर एटलीस्ट विलियम शेक्सपियर के बारे में वो जानें उनकी अप्रोच हो बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अलग ही चीज़ों को ले परेशान है अपनी हेल्थ को ले परेशान है अपने जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी इनकी बेहतर नहीं हो पाती क्योंकि न्यूट्रिशंस उनको उतने मिल नहीं पाए हैं इनके सामने सिचुएशन बहुत हद तक अलग है एंड येट हाँ इसके बाद थर्ड जो हमारे पास पिक्चर है बेल्ट फ्लोरी टायरोलिस वैली इसके बाद एक पिक्चर और लगा रखा है यहां पे टायरोलिस वैली है जहां पे काफी सारे फ्लावर्स है और बेल्स जो है वो अपन को नजर आती है और एक यहां पे क्या है ओपन हैंडेड मैप है एक मैप है जो पूरे वर्ल्ड का मैप यहाँ पर इनके सामने है। तो मतलब इनके क्लासरूम के अंदर इतने सारे पिक्चर्स हैं जहाँ पर एक तरफ विलियम शेक्सपियर हैं दूसरी तरफ टायरलिस वैली है इसके बाद क्लाउडलेस डॉन का पिक्चर यहाँ पे बता रखा है इसके बाद हमारे पास ये एक वर्ल्ड का मैप बता रखा है अवॉर्डिंग इट्स वर्ल्ड वन सेकेंड अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एक वर्ल्ड तो वो है जो यहाँ पर इस एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर है और एक वर्ल्ड वो है जो बाहर का है ठीक है अब इस वर्ल्ड को ये वर्ल्ड जो है वो एक्चुअल वर्ल्ड को यहाँ पर अवोर्ड कर रहा है मतलब ये वर्ल्ड अगर इनको देखे बट यहाँ इन बच्चों को इस वर्ल्ड से कोई उम्मीद नहीं है बिकॉज ये जानते हैं ये स्लम्ब्स के अंदर पैदा हुए हैं और स्लम्स के अंदर ही ये मर जाएंगे इनको बहुत अच्छे से ये बात पता है ठीक है अब यहाँ आप देखोगे एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज यहाँ पे इस क्लासरूम के अंदर जो विंडोज लगी हुई है जहाँ पे बाहर फॉगी रोड्स हैं है ना जहाँ पे इवन रोड्स पर एक प्रॉपर लाइटिंग तक नहीं आ पाती है ये रोड जो है नॉट दिस देयर वर्ल्ड इनका वर्ल्ड जो है वो खिड़की से बाहर उस स्लम्स के अंदर वो जो कुछ देख पाते हैं दिस इज द वर्ल्ड फॉर दिस स्टूडेंट्स नॉट दिक्चर ऑफ द वर्ल्ड और द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर और द पिक्चर ऑफ टायरो वैली ये सारे उनके वर्ल्ड नहीं है उनका वर्ल्ड अलग ही है जो उनके स्लम्स के अंदर यहीं पर ये जानते हैं कि वी आर बोर्न ही यहीं पैदा हुए और यही हम क्या हो जाएंगे मर जाएंगे ठीक है पेंटेड विद fog. Fog का मीन होता है uh, यहाँ पर मीन आप देखते हो फॉग का जब टाइम होता है तब हम पर कोई चीजें जो है वो क्लियर नजर नहीं आती मतलब एक तरीके का डार्क वर्ल्ड जो है वो ये बताना चाह रहा है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स एक स्ट्रीट के अंदर है काफी नैरो है जो लेड स्काई जहां पर अपन को नजर आ जाता फार फार फ्रॉम रिवर्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स जो वर्ड्स के स्टार्स होते हैं जो कैप्स स्टार ऑफ द वर्ड्स मीन अच्छे जो शब्द होते हैं ये जो रिवर्स है है नेचर है उन सारी चीजों से बहुत अलग है ये लोग इनकी लाइफ जो है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि उस स्लम के अंदर ही क्या है पूरे तरीके से कवर्ड है ये उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकते बिकॉज द लाइफ विच दे आर लिविंग प्रेजेंटली एंड द लाइफ विच इज शोन टू देम देर इज अ कॉन्ट्रेरी बिटवीन दिस टू वर्ड्स हियर श्योरली

वो एक बढ़िया तरीके के सनराइज को देख पाए वहां जहां पर ये रहते हैं उन स्लम्स के अंदर जब इवन लोग चलते भी है तो मिट्टियों से बनी हुई वो सड़क है और उस रोड के ऊपर जब चलते हैं तो बिल्कुल मिट्टी उड़ती है और उनके स्काई का कलर जो है वो भी उनको बहुत हद तक लेड कलर का नजर आ रहा है ये सारी चीजें हैं यहाँ पर बहुत हद तक चीजें अलग हैं जिस वर्ल्ड के अंदर ये रह रहे हैं और जब ये जानते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड है दिस इज आर रियालिटी और जब इनको आप इस तरीके के सपने दिखाते हैं तो ये चीज बहुत गलत है एक तरीके का इमोशनल अटैक है ही उन बच्चों के ऊपर शेक्सपियर का एग्जाम्पल किसी भी तरीके से इन बच्चों के लिए सुटेबल नहीं द मेप अ बेड एग्जाम्पल वो जो मैप है जो आपने इन बच्चों को बता रखा है ये बहुत बेड एग्जाम्पल है विथ शीप्स एंड सन या जहाँ पर आप इन बच्चों को शीप्स बताते हैं बड़े बड़े जहाज हैं सन बताते हैं एंड लव और वो जो लव है मीन्स उन सारी चीज़ों से जो एक्सप्लोर होता है वो सारी चीज़ें इनको टेम्प्ट करती है डेम टू स्टील ये सारी चीज़ें जो है वो इनको क्या बनाती हैं एक तरीके से थीफ बनाती है क्योंकि इनको पता है देखो इंसान की एक फितरत होती है जिसको अपन हैबिट कहते हैं हमेशा वो चाहता है परसुएड करना चाहता है कुछ चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर पाना चाहता है और जब उसको सही तरीके से ही नोज इट एक्चुअली अगर उसको सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही है दैट टाइम ही यूज़ द एविल वेज वो गलत तरीके को इस्तेमाल करता है ठीक है कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो हमारे थीफ हैं बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं वो इन्हीं स्लम्ब की देन होती है ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए इन स्लम के अंदर रहकर ही जहाँ पर अंडर अंडरनरिस्ट रहते हैं वो लोग जहाँ पर उनके ड्रीम्स को किसी भी तरीके का एक वेटेज नहीं दिया जाता है तो उस समय ये लोग जो है वो अनफेयर वेज को यूज करते हैं ऐसा कहना है स्टीफन स्पेंडर का ठीक है फॉर दैट स्लाइली टर्न इन क्रेम होल्स उनकी लाइफ जो है क्रेम होल्स क्या होता है जो रोड के ऊपर अपन जो देखते हैं इस तरीके से कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं उनकी लाइफ जो है वो उन गड्ढों में गिरे के बराबर है क्योंकि ये ना आगे जा सकते हैं ना पीछे इनके लिए कुछ अच्छा है ठीक है फ्रॉम फॉक टू एंडलेस नाइट ये ही इनकी लाइफ है ऑन दैट स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वियर स्कीन स्पिप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील यहां कुछ चीजें बता रखी है ऐसा लगता है ये बच्चे इतने अंडर नरिश्ड हैं कि इनकी जो बोन्स है ऐसा लगता है उनकी स्किन जो है क्योंकि मसल्स बिल्कुल भी नहीं है उन बच्चों के तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर अपन को ये इमेज हमारे सामने लाते हैं उन्होंने स्किन को पहन रखा हो ऐसे वो बच्चे नज़र आते हैं कोई पतला कपड़ा है उन्होंने पहन रखा हो वो उनकी स्किन के तौर पर नजर आता है इसके बाद इन बच्चों ने जो ग्लासेस पहन रखे हैं ठीक है थीके? वो ग्लासेस जो है वो बुरे तरीके से टूटे हुए ग्लासेस हैं मैंडेड ग्लासेस हैं लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन जिस तरीके से ग्लास के ऊपर कुछ अगर पत्थर अगर लग जाए तो वो बिल्कुल इस तरीके से हो जा रहा है ठीक है तो उनके ग्लासेस जो पेन रखे उन्होंने वो उस तरीके के नजर आते हैं ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स उनका जो भी टाइम है जो भी स्पेस है वो वही फॉगी स्लम्स हैं सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बी गेस डूम अब क्या होगा अगर वो जो मैप है अपना है ना जो वर्ल्ड मैप उनको बता रखा है अगर उस वर्ल्ड मैप के ऊपर अपन जो भी सारी स्लम्स हैं उन सबको अगर लोकेट करेंगे तो ये जो पूरा सुनहरा सा अपना वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा इन स्लम्स ही भर जाएगा क्योंकि तो दो वर्ल्ड होते हैं एक वर्ल्ड वो होता है जो सिटीज़ के अंदर रहता है और एक वर्ल्ड वो है जो स्लम्स के अंदर रहता है होते दोनों सिटी के अंदर ही है बट उन दोनों के लाइफ स्टाइल के फैसिलिटीज के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के मामले में यहां पर एक कंप्लीट डिफरेंस होता है ये बात अपन को समझनी पड़ेगी ठीक है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर ये सारे लोग जो है यहाँ आए और कुछ अगर नहीं करें दीज मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो शट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटाकॉम्स ये जो मैप है ये उनकी लाइफ को एक तरीके से कैटाकॉम जो होती है अपनी ग्रेवयार्ड की तरह होता है दीवारों के अंदर ये कैटाकॉम्स होती है है ठीक एक जहाँ पर बॉडीज को रखा जाता है की तरह, उनकी लाइफ के ऊपर वो जो मैप है वो उस तरीके से आके लिपट जाएगा ठीक है ये चीजें उनके किसी काम की नहीं है ठीक है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड इससे पहले यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर

कलर uh, होता है अपना ब्लू डीप ब्लू कलर जो होता है उसको अपन बोलते हैं एसियोर ठीक है azure, ये बच्चे जो है वो भी उस खुले आसमान को देख पाए गोल्ड सेंड्स के ऊपर ये लोग क्या है चल पाए एंड लेट देर नेक्ट टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन और इनकी जो टंग है उनको कई सारी चीजों को और बुला के इनकी जो टंग है वो कहाँ पर आ पाए बुक्स के ऊपर आ पाए व्हाइट एंड ग्रीन यहाँ पर दो चीजें हैं वाइट जो है वो किसके लिए यूज हुआ है बुक के लिए यूज हुआ है और ग्रीन जो है वो किसके लिए यूज हुआ है नेचर के लिए ठीक है तो ये दो बातें अपन को यहाँ पे समझनी है हिस्ट्री इज देस होज लैंग्वेज इज द सन या लास्ट में स्टीफन स्पेंडर ये अपनी पोम की कुछ लाइन से जहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो स्टीफन स्पेंडर अपन को देना चाह रहे हैं स्ट्रीज हैंज लैंग्वेज इज द सन उन वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज क्या है सन है दो तरीके से इसको समझा जा सकता है देखो सन की एक क्वालिटी होती है वो खुद को बर्न करके क्या करता है दूसरों को जो है वो लाइट प्रोवाइड कराता है ये सन की स्पेशलिटी होती है तो ये जो लोग है गवर्नर है इंस्पेक्टर है विजिटर्स है ये सारे लोग अगर आ, खुद की तरफ से कुछ एफर्ट्स करके अगर इन लोगों के लिए अच्छा करे तो अनडाउटेडली उनका भी एक हिस्ट्री करी क्रिएट होगा ठीक है और दूसरी बात सन जो है वो लाइट का सिंबल है ठीक है एनर्जी का सिंबल है तो आप ऐसा कुछ करें जिससे ये बच्चे जो है वो एनर्जेटिक बन पाए इनके लाइफ के अंदर कुछ कलर्स आ पाए ये सारी बातें जो है वो स्टीफन स्पेंडर इन सारे लोगों से कहना चाह रहे हैं तो किस तरीके का क्लास स्ट्रगल है ये सारा इन्होंने अपन को इस पोम के थ्रू बताया है आगे हम आते हैं पोम की साम्री के ऊपर एक बार पढ़ते हैं अपन इसको द फेसिस ऑफ द चिल्ड्रेन आर डल देर अपियरेंसेज शोड दे आर अनवॉन्टेड देख चुके हैं अपन उनकी अपियरेंसेज ऐसी बताती है जैसे कि वो अनवॉन्टेड है रीड्स की तरह ठीक है

उनको वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल जरूर किया जाए बट उनको डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम के अंदर किसी भी तरीके से लाया ना जा सके उनके एफर्ट्स कुछ ये चीजें शो करते हैं दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दिस स्ल इन स्लम से ज्यादा वो कहीं भी ड्रीम तक नहीं देख सकते दे हैव बीन है स्लम्स द पोएट पोएटेस्ट इज द अथॉरिटीज टू अलाउ दिस चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द स्लम सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम्स अ रियलिटी फॉर देम

चीजों को कंपेयर करा जाए यहाँ पर आप देखोगे लाइक रूटलेस वीट्स लाइन के अंदर यहाँ रूटलेस वीट्स से कंपेयर किसको करा गया उन बच्चों के हेयर्स को ठीक है और वो भी लाइक like का यूज करते हुए यहां पर ने करा है। तो वो ये क्या बन जाता है सिमिली बन जाता इसके है इसके बाद आता है मेटाफोर जहां पर कंपेरिजन करते हैं हम दो चीजों का और बिना लाइक like और एस को यूज करते हुए पेपर स्विमिंग बॉय सीधा उसको हमने बोल दिया ये पेपर स्विमिंग बॉय है विदाउट यूजिंग लाइक और एस तो ये मेटाफोर बनता है इसके साथ ही मेटाफोर के कुछ और एग्जाम्पल भी है सार क्रीम वोल्स और नैरो स्ट्रीट सिल्ड विद लेट ठीक है, uh, तो है? है इसके बाद साथ ही में एक एलिट्रेशन भी मैं बता देता हूं दोनों को एलिट्रेशन क्या होता है कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है लाइंस के अंदर तो उसको अपन क्या बोलते हैं एलिट्रेशन बोलते हैं जैसा कि फ्रॉम फोक तो एफ का रिपीटेशन या हुआ है और

क्रैम्प्ड होल्स जो बता रखे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं या क्रैम्प्ड सीधा उनके घर जो है उनको क्रैम्प्ड होल्स को यहाँ पर बता दिया गया क्रैम्प्ड होल की तरह तो ये क्या हो गया यहाँ पर मेटाफोर हो गया ठीक है ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई थी इसके बाद एक और मेटाफोर का एक्जाम्पल है हमारे सामने बुक्स एंड आर नेचरप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स बुक्स को कंपेयर करा गया व्हाइट और व्हाइट लीव से और साथ ही में नेचर को कंपेयर करा गया ग्रीन लीव से तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि मेटाफोर का एग्जाम्पल है इसके बाद एक होता है एनाफोरा एनाफोरा का मीन्स क्या होता है रिपीटेड वर्ड्स इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स दो लाइन्स के अंदर रिपीटेड वर्ड्स का यूज करा गया है ठीक है जैसे कि ये रन एज योर और साथ ही में रन नेक तो ये रन और ये रन दो वर्ड्स का रिपीटेटिव लाइन्स के अंदर यूज हुआ तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं एनाफोरा बोलते हैं ठीक है थीके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अपन बात करें तो वैसे काफी इजी है आई होप सो कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस फॉर्म को समझे होंगे और अगर आप समझ चुके हैं तो अनडाउटेडली ये जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी इजी रहेंगे आपके लिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड से अपन स्टार्ट करें फर्स्ट एक द करेक्ट आंसर है जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है वॉट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सॉर क्रीम वाई डू यू थिंक द पॉइंट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स क्लासरूम वॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने सॉर क्रीम का यूज क्यों करा द कलर ऑफ द सॉर क्रीम इज पेल एंड डल ये बात है

On the the are not similar to the world of these slums dwelling children because they have never got adequate facilities and education. वो जो वर्ल्ड उनको बाहर बता रखा और जिस वर्ल्ड के अंदर वो हैं स्लम के अंदर वो डवेल कर रहे हैं अभी रह रहे हैं उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेरी है उनको वो फैसिलिटीज और उस तरीके का एजुकेशन नहीं मिला है जिससे वो उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाए दे है इट इज सेड इन द फोम दैट फॉर दिस चिल्ड्रन शेक्सपियर इज अ विक मैन नॉट ओनली दिस

नेगेटिव उसके वो अपन नहीं बता पाते और बहुत कम लोग होते हैं जिनका इन चीजों के ऊपर ध्यान जाता है और वो लोग जो इनके लिए किसी तरीके का एक्शन लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने व्हाट द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स हाउ कैन देर लाइफ बी मेड टू चेंज द पोएट वॉन्ट्स द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स टू विजिट द स्कूल वो लोग जाए एक बार स्कूल को विजिट करें टू सी ऑफ करेंट्स एंड डू नॉट एंड डू समिंग फॉर देर बेटरमेंट वो लोग वहाँ जाएँ उनके बेटरमेंट के लिए चीजें करें एटलीस्ट वो ग्राउंड रियालिटी से खुद को इंट्रोड्यूस तो करें तभी उनको पता पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज के अंदर ये स्नम्स भी आनी चाहिए दिस किड्स शुड भी प्रोवाइडेड विद बेस्ट एम्यूनिटीज इन ऑर्डर टू मेक देर लाइफ बेटर ही वॉन्ट्स दिस किड्स टू विजिट ब्यूटिफुल्सिस विच आर ग्रांटेड बाई द नेचर विद इट्स ब्यूटी दिस विल Instill a अ हंगर इन to टू स्टडी इन ऑर्डर टू मेक life लाइफ बेटर जब वो कुछ अच्छा देखेंगे तब उनका कुछ अच्छा करने का मन होगा सीधी सी बात तो ये है इसलिए ये लोग ऐसे एफर्ट करें कि उनको भी वो उस नेचर को एक्सप्लोर कर पाए उनको ऐसी फैसिलिटीज मिले और बाहर के वर्ल्ड को ये लोग बहुत अच्छे से जान पाए ठीक है टीक द करेक्ट आंसर के कुछ क्वेश्चन है आपके एमसी द टॉल गर्ल विदर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड ये चीज यहाँ पर इससे शो होती है सेकेंड क्वेश्चन है

द चिल्ड्रीस आर कम्पेयर टू रूटलेस वीट्स दिस मीनस दे आर वेस्टर्स मतलब पूरे तरीके से उनको एक वेस्टर्स की तरह देखा जाता है ठीक है तो ये थी आपकी पोम द एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल क्लासरूम है ना इसलम उम्मीद है कि आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अगर इसके बाद किसी भी तरीके का डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके बाद बताएं कि सर ये चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आई हम कोशिश करेंगे उसको वापस एक बार एक्सप्लेन करने की या फिर आपका जो भी क्वेरीज होती है उनको अपन आंसर करेंगे ओके थैंक यू सो मच